नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। मैं हुमैरा जबी। भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत प्रदान करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में स्टेशन रोड पर शरबत का वितरण किया गया। क्षेत्र में बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते नजीबाबाद शहर स्थित मोहल्ला रामपुरा के टेम्पू स्टैंड स्थान पर क्षेत्रीय एनजीओ द्वारा लोगों को रोक रोक कर शरबत पिलाने का कार्य किया गया। आपको बता दें, हरिद्वार रोड पर आने जाने वाले लोग को रोक रोक कर शरबत पिलाने का कार्य किया गया। इसी के साथ ही दोपहर तक शरबत वितरण के दौरान स्टॉल पर शरबत पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, जिसमें राहगीरों को ठंडा ठंडा शरबत पिलाकर संगठन द्वारा सेवा उपलब्ध कराई गई। बताते चले, एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रंजना सैनी के निर्देशन में फाउंडेशन के ब्लॉक मीडिया इंचार्ज नजीबाबाद सैफुल इस्लाम द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के फाउंडर व नेशनल चेयरमैन इंजीनियर विकास कुमार आर्य द्वारा बताया गया कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अत्यधिक गर्मी है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था द्वारा जिले में कई जगह ठंडे व मीठे शरबत वितरण के स्टॉल लगाए गए हैं। उनकी संस्था पक्षियों के लिए भी दाना पानी का प्रबंध करती है। शरबत के वितरण के इस कार्यक्रम में मोहम्मद दानिश ब्लॉक इंचार्ज, नदीम ठाकुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद अफजल, महफूज आलम, रियाज अहमद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शहजाद आदि सदस्यों ने उपस्थित रहकर अपना अपना सहयोग दिया।